हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मसल्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इससे पहले हम जानते हैं सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि पेशी संकुचन की कार्य की, पेशियों का संकुचन किस प्रकार होता है एवं पेशियां संकुचित क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम जानते हैं मसल्स के बारे में, मसल्स क्या होती है। मसल्स हमारे शरीर का वह भीतरी ऑर्गन या अंग जो जिससे में गति उत्पन्न करने के लिए मांसपेशियों में संकुचन या शिथिलन यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्षमता उत्पन्न होती है। तो देखते हैं मसल, अगर हम वैसे कहें तो एक प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू है। सॉफ्ट टिश्यू, टिश्यू के बारे में आप जानते ही हो, टिश्यू का निर्माण किससे होता है, विभिन्न प्रकार की सेल्स से, या हम ये कहें कि सेल्स मिलकर ही किसका निर्माण करती हैं, टिश्यूज का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले मसल्स के बारे में हमने जान लिया कि मसल्स क्या है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल वे में समझाऊं तो मैं ये कहूंगा कि एक साइकिल को राइड करने के लिए यानी चलाने के लिए हम अपनी क्षमता लगाते हैं, यानी कि साइकिल को चलाने के लिए हमारे लेग की मसल्स का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारी लेग्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्षमता होगी तभी हम साइकिल को राइड कर सकते हैं, तेजी से और धीरे भी। तो देखो, हम सबसे पहले मसल्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि मसल्स होती कितने प्रकार की हैं। तो मसल्स के सबसे पहला टाइप है स्केलेटल मसल्स, सेकेंड वन इज स्मूथ मसल्स, और थर्ड वन कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स क्या होती है? स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल से, यानी कि वे पेशियां या वे मांसपेशियां जो हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स, यानी कि हमारे कंकाल से जुड़ने वाली पेशियों को कहते हैं स्केलेटल मसल्स। सेकंड स्मूथ मसल्स, जिनको हम कहते हैं चिकनी पेशियां। स्मूथ मसल्स चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारे शरीर के होलो ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। होलो ऑर्गन्स, अब होलो ऑर्गन्स कौन से होंगे? जैसे कि यूरिनरी ब्लेडर, हमारा स्टोमच जिसको हम कहते हैं आमाशय, या फिर हमारी इंटेस्टाइन। ये हमारे शरीर के सभी स्मूथ ऑर्गन्स हैं। ये हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंतरांग हैं। अंतरांग का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर की तरफ पाए जाने वाले अंग, ठीक है। थर्ड वन हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? कार्डियक का मतलब हृदय पेशियां। अब हृदय पेशियां नॉर्मल सी बात है हृदय से जुड़ी होगी, यानी हमारी हार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको डीपली बता देता हूं कि तीनों किस प्रकार की होती हैं और कैसे दिखाई देती हैं।
देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स इनका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये है न्यूक्लियस, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो लाइनिंग, इसको बोलते हैं स्ट्राइएटेड पैटर्न्स। स्ट्राइएटेड पैटर्न्स का मतलब होता है रेखित। देखो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं सबसे पहली बार किस प्रकार की शेप में होती हैं, तो ये होती है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब है बेलनाकार, बेलन के आकार की होती है। सबसे मेन बात इसको हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की इच्छा शक्ति पर डिपेंड, इसलिए इन्हें इच्छित पेशियां कहा जाता है। इलोंगेटेड होती हैं ये, यानी लंबाई इनकी बहुत अधिक होती है। एंड मल्टी न्यूक्लिएट, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया कि मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी इनमें बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं। ये तो है स्केलेटल मसल्स के बारे में कि सिलेंड्रिकल होती हैं, बेलनाकार आकृति की होती हैं, वॉलेंट्री होती है यानी कि हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती है, ऐच्छिक पेशियां इस कारण इन्हें कहा जाता है। इलोंगेटेड है यानी लंबाई लिए होते हैं, काफी लंबे होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। द फोर्थ पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्राइएटेड पैटर्न्स रखती हैं। स्ट्राइएटेड पैटर्न्स का मतलब इन्हें हिंदी में कहा जाता है रेखित पेशियां। रेखित पेशियां यानी कि स्ट्रिएटेड मसल्स, क्योंकि इनके अंदर कुछ लाइनिंग सी दिखाई दे रही है आपको। ये मैं आपको कंप्लीट स्टडी बाद में करवाऊंगा, जिसमें आप देखोगे कि एक लाइट जोन होता है और एक डार्क जोन होता है, जिसे हम कहते हैं लाइट बैंड डार्क बैंड। ठीक है, सेकंड वन की बात करें तो हमारा जो सेकंड मसल्स होती है वो है स्मूथ मसल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्मूथ का मतलब है चिकनी पेशियां। चिकनी पेशियां इनका डायग्राम कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इनका डायग्राम होता है। यह है इसमें बीच में न्यूक्लियस, आपको यहां पे एक ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो स्पिंडल शेप होती हैं। स्पिंडल शेप यानी तर्कु की आकृति के समान। तर्कु रूपी इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है यानी कि सिंगल न्यूक्लियस। इनके बीच में काफी चौड़ाई होती है, यानी कि जो ये मसल्स हैं
इनके बीच का भाग क्या होता है, काफी चौड़ा होता है, यानी काफी चौड़ाई लिए होती है। और बात करें तो इनके जो सिरे होते हैं, ये देखो दो सिरे हैं, दोनों सिरे देखो किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं हमें, इनके दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, दोनों सिरे नुकीले हैं। और स्मूथ मसल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये शरीर के विभिन्न अंतरांगों के अंदर, शरीर के विभिन्न अंतरांगों यानी कि हमारा स्टोमच, हमारा यूरिनरी ब्लेडर, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो स्मूथ ऑर्गन्स हैं शरीर के अंदर, इंटेस्टाइन, अदर पार्ट्स, उनके अंदर क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की स्मूथ मसल्स पाई जाती है। तो यानी कि स्टोमच, यूरिनरी ब्लेडर, इंटेस्टाइन और हमारे जो विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, जैसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, उन सब में किस प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। अब हम तीसरे प्रकार की मसल्स के बारे में जानते हैं कि तीसरे प्रकार की जो मसल्स होती है वो किस प्रकार की होती है। तीसरे प्रकार की मसल्स है हमारी कार्डियक मसल्स। हृदय पेशियां, हृदय से जुड़ी हुई है, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, हृदय पेशियां। इनका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। यहां पे प्रत्येक ब्रांच के अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी इसकी प्रत्येक शाखा में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। यह है न्यूक्लियस, ये भी किस प्रकार की है, ये भी इनवॉल्यूंट्री टाइप्स की होती है, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड नहीं करती। सेकंड, इसमें रेखित पेशियों और अरेखित पेशियों यानी कि दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें स्ट्रिएटेड एंड अनस्टाइलेटेड स्ट्रिएटेड पैटर्न्स रखती है, जिस कारण इन्हें मसल्स भी कहा जाता है, यानी स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड मसल्स। तीसरी बात करें तो ये किस प्रकार की दिखाई दे रही है आपको, एक ब्रांच के समान, जिस कारण इन्हें हम कहते हैं ब्रांचेस मसल्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहला टाइप्स ऑफ मसल्स। हमने मसल्स के बारे में पढ़ा कि मसल्स क्या है, कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार इनकी स्पाइन स्ट्रक्चर होती है। तीन प्रकार की मसल्स हमने पढ़ी हैं। तीनों प्रकार की मसल्स में सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स जो थी वो थी हमारी सबसे पहली स्केलेटल मसल्स, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि उनमें विशेष प्रकार की संकुचन और शिथिलन की क्षमता पाई जाती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि मसल्स जो होती है वो एक प्रकार की प्रोटीन फिलामेंट्स होती है, प्रोटीन फिलामेंट्स।
जो कि दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। अब एक्टिन और मायोसिन किस प्रकार एक दूसरे से बाइंड करते हैं उसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।